हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, वीडियोस में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको आज दिखाऊंगा चेरी की ट्री एंड उसमें जो तोड़ान हो रहा है वो सब कुछ दिखाऊंगा मैं गाइस। तो गाइस, जैसे पिछले ब्लॉग में मैंने बताया था कि आपको चेरी तोड़ना दिखाऊंगा, भरना दिखाऊंगा, तो गाइस उस ब्लॉग में मैंने दिखा नहीं पाया चेरी तोड़ना भरना। तो बट गाइस, इस ब्लॉग में मैं आपको जरूर दिखाऊंगा चेरी तोड़ना भरना और उसकी पैकिंग भी करना। गाइस, वीडियोस में एंड तक बने रहिए। गाइस, ये देख सकते हो मेरे साथ यहाँ चेरिया, आपको इस साथ में दिखाता हूँ। ये चेरी देख सकते हो गाइस। तो गाइस, अभी इनका तोड़ान चला है। तो गाइस, मैं वैसे पेड़ में ही हूँ, आप देख सकते हो कि मैं पेड़ में ही हूँ, चेरिया तोड़ रहा, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। साथ में आपको मैं इसकी पैकिंग भी दिखाऊंगा, तो पैकिंग किस तरीके से करते हैं। और गाइस, इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर कीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो गाइस, आप ये देख पा रहे होंगे, तो गाइस ये ब्लैक चेरी है। तो गाइस, आप अगर परचेज करना चाहते हो तो हमारे से भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो, हमारे पास भी आपके लिए प्रोवाइड करवा देंगे हम आपको। अगर बट आपको अगर आप नारकंडा आते हो तो हम आपको प्रोवाइड करवा सकते हैं चेरिया। बाकी ऐसी हम आपको मतलब यहाँ से हम भिजवा नहीं सकते, क्योंकि काफ़ी दूर से लोग देखते हैं वीडियो, तो कुछ लोग कहीं से भी हो सकते हैं, तो अब उस जगह पे हम आपकी सप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि गाइस एक तो चेरिया ऐसा फ्रूट या स्टोन फ्रूट्स है, तो गाइस ये जल्दी ख़राब हो जाते हैं, तो ये मतलब ज़्यादा लंबे सफ़र पर नहीं जा सकती गाइस। मतलब उसके लिए आपको यहाँ पर आना होगा, तो आपको यहाँ पर आके ही नारकंडा आके ही आपको चेरिया मिल जाएंगी काफ़ी अच्छी, या शिमला नारकंडा, तो वहाँ पे आप चेरी ले सकते हो। बाकी गाइस, मेरे मामू का एरिया है जहाँ से मतलब मेरे मामू का घर है, वहाँ ही उनकी चेरिया तोड़ने आया था, तो आप ही देख सकते हो चेरिया, और व्यू भी काफ़ी प्यारा आता है। बट कोहरा होने की वजह से यहाँ से हिमालयन रेंज भी दिखती थी, बट वो दिख नहीं पा रही है। बाकी मैं आपको चेरिया दिखा रहा हूँ। गाइस, ये चेरी काफ़ी प्यारी है, मतलब कि काफ़ी अच्छी, मतलब काफ़ी स्वादिष्ट होती है खाने को। आप ये देख सकते हो इसके ट्री काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, तो आप देख ही पा रहे होंगे कि कितने बड़े इसके ट्री है। अगर आप नारकंडा आते हो तो हमारे से कॉन्टेक्ट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।